वेलकम बैक इन वर्चुअल क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंट्रैक्शन ऑफ मैक्रो सिस्टम। और मैक्रो सिस्टम क्या होते हैं? मैनी पार्टिकल सिस्टम्स। तो मैनी पार्टिकल सिस्टम्स के बीच में हमें यहाँ पे इंट्रैक्शन का स्टडी करना है। टॉपिक क्लियर है? तो क्या करें, मैक्रो सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं और उनके बीच में इंट्रैक्शन देख लेते हैं कि इंट्रैक्शन किस तरह से होता है। सो लेट वी हैव टू मैक्रो सिस्टम ए एंड ए प्राइम। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो मैक्रो सिस्टम लेके चल रहे हैं, ए और ए प्राइम। दोनों किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे से हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। लिख लो यहाँ पे हीट, पहले समझ लो फिर बाद में हम अच्छे से लिखेंगे, पूरा कंप्लीट लिखाऊंगी मैं विथ थ्योरी। हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव टू सिस्टम ए एंड ए प्राइम, ठीक है। और किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहे हैं? दोनों हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं। नाउ वी जॉइंट बोथ सिस्टम। अब क्या करते हैं, दोनों ही सिस्टम्स को हम जॉइंट कर देते हैं। दोनों सिस्टम को यदि हम जॉइंट करते हैं तो एक नया सिस्टम बनता है, उसे हम बोलते हैं ए प्राइम। इफ वी जॉइंट बोथ सिस्टम, तो एक नया सिस्टम यहाँ पे बन रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ए स्टार। क्या बोल रहे हैं उसको? ए स्टार। और ए स्टार जो सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही है वो किस टाइप का है? वो है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है ये? आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, वी हैव टू सिस्टम ए एंड ए प्राइम विच इंट्रैक्ट ईच अदर एंड एक्सचेंज हीट। ओके, नाउ वी जॉइंट बोथ सिस्टम ए एंड ए प्राइम। तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? एक नए सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही है। वो किस टाइप का है? आइसोलेटेड टाइप का है। और उसको हमने क्या नाम दिया है? यहाँ पे ए स्टार नाम दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा स्टेप हमने यहाँ पे किया है। नाउ आपको इंट्रैक्शन ऑफ मैक्रो सिस्टम्स का स्टडी करना है, तो क्या करें, क्या करें, सिस्टम्स का ग्रुप ले लेते हैं। यहाँ पे किसका ग्रुप लेंगे? ए स्टार का। नाउ इंट्रैक्शन बिटवीन मैक्रो सिस्टम्स का हमें स्टडी करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कंसिडर एन एनसेम्बल ऑफ ए स्टार सिस्टम। हम क्या करेंगे, जो आइसोलेटेड सिस्टम बना है उसका एक ग्रुप ले लेता है। यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? एनसेम्बल ऑफ ए स्टार सिस्टम। ये देखो एनसेम्बल क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम। तो यहाँ पे हमने ये एनसेम्बल बना लिया। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें दो सिस्टम के इंट्रैक्शन का स्टडी करना है, मैक्रो सिस्टम के इंट्रैक्शन का हमें स्टडी करना है। सो ये हमने मैक्रो सिस्टम्स बना दिए, अब इनके इंट्रैक्शन का हमें स्टडी करना है। तो क्या किया हमने, ज्वाइंट किया, और ज्वाइंट करने पे ए स्टार एक नया सिस्टम बना, और इस ए स्टार सिस्टम का हम क्या लेके चल रहे हैं, एनसेम्बल लेके चल रहे हैं। अब एनसेम्बल लेके चल रहे हो तो डेफिनेशन लगा दो यहाँ पे। एनसेम्बल क्या होता है? मैक्रोस्टेट्स तो क्या होगी, सेम होगी, बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होते हैं। तो इन सबके मैक्रोस्टेट्स तो सेम है, मतलब सिमिलर सिस्टम है, बट हीट एक्सचेंज जो कर रहे हैं उनका अमाउंट अलग अलग है। ईच पेयर, फॉर ईच पेयर अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इज डिफरेंट फॉर ईच पेयर, ठीक है। तो अब स्टडी कैसे करें, तो अब एक्सचेंज एनर्जी का हम स्टडी कैसे करें, इंट्रैक्शन का हम स्टडी कैसे करें? इतने सारे आप सिस्टम लेके चल रहे हो, इतने सारे सिस्टम में आपको किसका स्टडी करना है? हीट एक्सचेंज का। इंट्रैक्शन क्या है इसमें? हीट एक्सचेंज ही तो हो रहा है यहाँ पे, और आपको उसी का स्टडी करना है। अब इतने सारे सिस्टम्स में हीट एक्सचेंज का अमाउंट सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एवरेज एनर्जी की वैल्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एवरेज एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। एवरेज एनर्जी यदि हम डिफाइन कर दें कि सिस्टम ए की एवरेज एनर्जी ये है, सिस्टम ए प्राइम की एवरेज एनर्जी ये है, और इंट्रैक्शन के बाद एवरेज एनर्जी ये रहेगी, ये रहेगी। अब दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। इट मीन बिफोर इंट्रैक्शन और आफ्टर इंट्रैक्शन टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। तो वहां से आपको समझ आ जाएगा कि इंट्रैक्शन और मैक्रो सिस्टम हमें कितना कैलकुलेट हो रहा है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट पे जाओ, मेरा यहाँ मोटो क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना। कैसे कि हमने टू ए और ए प्राइम सिस्टम लिया, और दोनों किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं। हीट का एक्सचेंज करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? नए सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए स्टार। उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे? आइसोलेटेड सिस्टम। अब इंट्रैक्शन ऑफ मैक्रो सिस्टम का आपको स्टडी करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एनसेम्बल ऑफ ए स्टार सिस्टम लेके चल रहे हैं। ये रहा एनसेम्बल ऑफ ए स्टार सिस्टम। अब एनसेम्बल क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम।
दैट आर मैक्रोस्कोपिकली सेम बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट. तो ये ग्रुप ऑफ सिस्टम क्या है, मैक्रोस्कोपिकली सेम है बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हो रही है हर एक सिस्टम के पेयर में अलग अलग हो रही है. तब इंट्रैक्शन का स्टडी किस तरह से करोगे, आपके पास तो इतने सारे सिस्टम है, तो हमने यहाँ पे क्या अल्टरनेट ऑप्शन निकाला, स्टैटिस्टिक्स का प्रॉफिट. क्या आप वहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हो, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो. तो इतने सारे सिस्टम्स के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो एक बार देख लूँ मैं इसको, इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, अभी पूरा अच्छे से लिखवाऊंगी एक एक स्टेप. पहले इंट्रैक्शन देख लूँ यहाँ पे कि इंट्रैक्शन किस तरह से आ रहा है. तो एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, तो हम एवरेज वैल्यू डिफाइन कर देते हैं. बिफोर इंट्रैक्शन वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी, वैल्यू एवरेज एनर्जी ऑफ ए एंड ए प्राइम सिस्टम. ठीक है, फॉर ए सिस्टम हमने डिफाइन कर दी कि जो एवरेज एनर्जी है वो क्या है, ई एवरेज आई. फॉर ए प्राइम एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, प्राइम लगाना यहाँ पे, फॉर ए प्राइम एनर्जी की वैल्यू क्या है, ए प्राइम आई. बिफोर इंट्रैक्शन, आफ्टर इंट्रैक्शन एनर्जी डिफाइन कर दो. आफ्टर इंट्रैक्शन एनर्जी क्या है, अच्छे से लिखाऊंगी, अभी तो एक बार समझ लो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको. ए एवरेज फाइनल और ए प्राइम की क्या है, ए एवरेज फाइनल प्राइम. ठीक है, नाउ इंट्रैक्शन करने के बाद क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं. आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है. कंजर्व्ड का मतलब क्या है, बिफोर इंट्रैक्शन टोटल एनर्जी और आफ्टर इंट्रैक्शन टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कंजर्वेशन सिस्टम के लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, प्लस बिफोर इंट्रैक्शन एनर्जी किसके इक्वल होगी, आफ्टर इंट्रैक्शन. तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया. सिंप्लीफाई करो अब इसको, ई फाइनल इन दोनों टर्म्स को मैं इधर लेके आ रही हूँ और माइनस ई आई, ऑब्वियस ये प्लस है तो इधर आएगी तो माइनस में आएगी, प्लस एवरेज माइनस प्राइम आई इक्वल टू जीरो. एंड दिस इज डेल ऑफ ई, यही तो है, एवरेज एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है. ठीक है, प्लस ये क्या है, डेल ऑफ ई प्राइम सिस्टम के लिए, दिस इज इक्वल टू जीरो. एंड इंट्रैक्शन किस तरह का शो हो रहा है, यहाँ पे डेल ऑफ ई इक्वल टू माइनस का डेल ऑफ एवरेज एनर्जी फॉर प्राइम सिस्टम, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. ये किस चीज को शो कर रहा है, एक्सचेंज एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, और ये किस चीज को शो कर रही है, एक्सचेंज एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्राइम सिस्टम. ठीक है, तो इसमें इंट्रैक्शन में क्या शो हो रहा है कि यदि माइनस नेगेटिव साइन यहाँ पे किस चीज को शो करता है, एनर्जी के इमिट होने को शो करता है, इमिशन को शो करता है. तो ये किस चीज को शो कर रहा है, यदि एक सिस्टम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है तो दूसरा सिस्टम उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट कर रहा है. समझ आ रहा है क्यों, बिकॉज आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हो, डेल ऑफ ई एवरेज इक्वल टू माइनस का डेल ऑफ ई प्राइम एवरेज. इट मीन ए सिस्टम जितना एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, ए प्राइम सिस्टम उतना ही एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है. और हमने यहाँ पे इंट्रैक्शन का स्टडी किया है, तो पैटर्न देखना एक बार किस तरह से किया है, ज्वाइंट करके एक नया सिस्टम बनाया, ए स्टार आइसोलेटेड सिस्टम है. अब हमें सिस्टम्स के बीच में इंट्रैक्शन का स्टडी करना है, तो ए स्टार का हमने क्या कर लिया, एनसेम्बल ले लिया. और एनसेम्बल क्या है, जो मैक्रोस्कोपिकली सेम है बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होंगे. माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होने का मतलब क्या है, इनके बीच में जो एक्सचेंज एनर्जी है वो सभी पेयर्स में अलग अलग है. तो उसका स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेज एनर्जी की बात कर ली. ए सिस्टम के लिए एवरेज एनर्जी डिफाइन कर दी, और ए प्राइम सिस्टम के लिए हमने एवरेज एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया. और क्या करा हमने, नया सिस्टम बनाया, कंजर्वेटिव सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसके लिए हमने आइसोलेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी लगा दी, बिफोर इंट्रैक्शन और आफ्टर इंट्रैक्शन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, सेम. और कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ए सिस्टम यदि अमाउंट को ऑब्जर्व कर रहा है तो उतनी ही अमाउंट की एनर्जी ए प्राइम सिस्टम क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है. इस तरह से मैक्रो सिस्टम्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है. इन सिस्टम्स का हम टू टाइप के इंट्रैक्शन से स्टडी करते हैं, एक होता है थर्मल इंट्रैक्शन और सेकेंड होता है एडियाबेटिक इंट्रैक्शन. तो एक बार हम पहले पूरे टॉपिक को लिख लेते हैं अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप. आपको समझ आ गया कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, नहीं समझ आया तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगी तो आप एक एक स्टेप अच्छे से समझ लेना. देखो इधर एक बार समझ लो वापस, फिर उसके बाद दिख लेना, आपके सामने पूरा बोर्ड पे गिवन है. सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दो सिस्टम ए और ए स्टार हम कंसिडर करके चल रहे हैं, ये रहे ए और ए स्टार सिस्टम.
दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं और जॉइंट करके एक हमने सिस्टम बनाया, वो क्या है, ए स्टार। और ए स्टार किस टाइप का सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। क्लियर है, लिखो इसको। लेट वी हैव ए एंड ए प्राइम टू सिस्टम्स, लेट वी हैव ए एंड ए प्राइम टू सिस्टम्स विच इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज हीट विद ईच अदर, विच इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज हीट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, द जॉइंट सिस्टम ए स्टार, ये जो जॉइंट सिस्टम है एक नया सिस्टम के फॉर्मेशन कर रहे हैं दोनों को जॉइंट करके। द जॉइंट सिस्टम ए स्टार मेड फ्रॉम सिस्टम ए एंड ए स्टार, ए एंड ए प्राइम, बेटा यहाँ पे ए प्राइम करना। ठीक है, द जॉइंट सिस्टम ए स्टार मेड फ्रॉम सिस्टम ए एंड ए प्राइम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। जो आप नया सिस्टम बना रहे हो वो किस टाइप का सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, होज एनर्जी इज कंजर्व्ड, जिसके एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। ठीक है, नाउ फॉर स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मैक्रो सिस्टम वी टेक एन एंसेंबल ऑफ मैक्रो सिस्टम ए स्टार। जो एक नया सिस्टम बना है ए स्टार, अब हम क्या करेंगे, उसका एंसेंबल लेके चलेंगे। सो नाउ फॉर द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मैक्रो सिस्टम्स वी टेक एन एंसेंबल ऑफ मैक्रो सिस्टम ए स्टार, क्या करेंगे हम यहाँ पे ए स्टार का एक एंसेंबल लेके चलेंगे। और सिस्टम्स किस तरह से है, देयर ऑल सिस्टम्स आर, देयर ऑल सिस्टम्स आर मैक्रोस्कोपिकली सेम, अंडरलाइन करना, मैक्रोस्कोपिकली सेम बट अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज डिफरेंट इन ईच पेयर। जो भी आप इसका पेयर लेके चलोगे ना, ये ए स्टार क्या है, ए और ए प्राइम का पेयर है, तो आप यहाँ पे ए स्टार का एंसेंबल लेके चलोगे, ए स्टार का एंसेंबल लेके चलोगे मतलब बहुत सारे यहाँ पे ए और ए प्राइम के पेयर होंगे, तो वो मैक्रोस्कोपिकली सेम है, मतलब सभी के सभी सिस्टम्स के मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या होंगे, सेम होंगे, बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज आर डिफरेंट इन ईच पेयर, हर एक पेयर के अंदर अमाउंट ऑफ एक्सचेंज हीट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, सो लिख लो जल्दी से, लेट वी हैव ए एंड ए प्राइम टू सिस्टम्स विच इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज हीट विद ईच अदर। ठीक है, डायग्राम बोरा, द जॉइंट सिस्टम ए स्टार मेड फ्रॉम सिस्टम ए एंड ए प्राइम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम हूज एनर्जी इज कंजर्व्ड, उसकी एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। Now for the study of interaction of macro system, we take an ensemble of macro systems A star. अब हम क्या कर रहे हैं, जो joint system बन रहा है A star, उसका क्या कर रहे हैं, ensemble लेके चल रहे हैं। और systems किस तरह से हैं, their all systems are macroscopically same, but amount of heat exchange different in each pair. हर एक pair में amount of heat जितना exchange हो रहा है उसकी values क्या है, अलग अलग हैं। तो आप क्या करें, इतने सारे सिस्टम लेके चल रहे हो, हर एक सिस्टम में अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज की वैल्यू अलग है, तो उसका स्टडी कैसे करें, जाओ स्टैटिस्टिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स में आप क्या कैलकुलेट करते हो, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे हम इतने सारे सिस्टम्स का स्टडी किससे करेंगे, एवरेज वैल्यू से करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, एवरेज वैल्यूज कंसिडर करेंगे, ए सिस्टम में एनर्जी की एवरेज वैल्यू और ए प्राइम सिस्टम में एनर्जी की एवरेज वैल्यू। तो पहले तो ये लिख लो, उसके बाद में बताती हूँ आपको इसके बाद हमें क्या लिखना है। लिख लिया क्या, लिख लो इसको जल्दी से, कर दो इरेज। देखो ऊपर का थोड़ा इरेज कर रही हूं मैं, यहां से यहां तक का इरेज कर रही हूं, नीचे का लिख लो आप। नाउ क्या कर रहे थे, नाउ वी एनसिम्बल बना दो। पहले तो हम यहां पे क्या लेके चल रहे हैं, फॉर द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैक्रो सिस्टम्स वी टेक एन एंसेंबल। तो यहाँ पे पहले एंसेंबल बना दो, ऊपर से बना रही हूँ मैं, अच्छे से बना लेना आप। तो ये रहा एंसेंबल, एंसेंबल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम। हर एक चीज को अच्छे से बनाना, डायग्राम से बनाना, ताकि आपको समझने में भी ईजी लगे और आप एग्जाम में भी करके आओ। तो हर एक स्टेप को वन बाय वन करना और विद डायग्राम करना। ठीक है, ये क्या है एनसेम्बल, हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये एनसेम्बल बना दिया, एनसेम्बल ऑफ ए स्टार सिस्टम। ठीक है, एनसेम्बल ऑफ ए स्टार सिस्टम लिख लेना ये। ठीक है, सो नाउ अब क्या करें, वी डिफाइन एवरेज वैल्यूज ऑफ एनर्जी। लेट एवरेज वैल्यू, रिपीट,
लेट एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जीज ऑफ ए एंड ए प्राइम बिफोर इंट्रैक्शन. बिफोर इंट्रैक्शन देख लो कि बिफोर इंट्रैक्शन ए और ए प्राइम की एवरेज एनर्जी वैल्यू क्या है. फॉर ए सिस्टम क्या है, एवरेज एनर्जी वैल्यू ए, एवरेज इनिशियल. एंड फॉर ए प्राइम सिस्टम एवरेज एनर्जी की वैल्यू डिफाइन कर दो क्या है यहाँ पे, प्राइम. ठीक है, प्राइम सिस्टम की डिफाइन कर रहे इसलिए मैंने इसको प्राइम से डिफाइन कर दिया. ठीक है, अब आफ्टर इंट्रैक्शन देख लेते हैं कि आफ्टर इंट्रैक्शन एवरेज वैल्यू क्या होगी. ठीक है, सो नाउ वैल्यू ऑफ एनर्जीज, वैल्यू ऑफ एनर्जीज ऑफ ए एंड ए प्राइम सिस्टम सिस्टम्स आफ्टर इंट्रैक्शन, आफ्टर इंट्रैक्शंस आर ई एवरेज फाइनल एंड ई प्राइम एवरेज फाइनल. ठीक है, आफ्टर इंट्रैक्शन मैंने यही पे डिफाइन कर दी क्या है, ई एवरेज फाइनल एंड ई प्राइम एवरेज फाइनल. ठीक है, नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बिकॉज आप जो यहाँ पे सिस्टम बन रहा है वो सिस्टम क्या है, ए स्टार आइसोलेटेड सिस्टम है. तो आइसोलेटेड सिस्टम है ए स्टार, तो बिफोर इंट्रैक्शन एनर्जी की वैल्यू और आफ्टर इंट्रैक्शन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, नाउ बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर इंट्रैक्शन एनर्जी की वैल्यू क्या है, ई एवरेज आई प्लस ई एवरेज प्राइम आई इक्वल टू आफ्टर इंट्रैक्शन. आफ्टर इंट्रैक्शन क्या है, दिस. ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको. इसको यदि मैं इधर लेके आऊंगी तो माइनस ई एवरेज आई, ठीक है, प्लस ई प्राइम फाइनल माइनस ई प्राइम इनिशियल इक्वल टू जीरो. दिस इज एनर्जी डिफरेंस. एनर्जी डिफरेंस किसका, ए सिस्टम का. एंड दिस इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए प्राइम सिस्टम. दिस इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ सिस्टम ए. मैंने यहाँ पे इसको एनर्जी डिफरेंस से डिफाइन कर दिया. एवरेज एनर्जी डिफरेंस मतलब सिस्टम में जितने भी आप ए सिस्टम लेके चल रहे थे उनमें एक्सचेंज एनर्जी के बाद जो डिफरेंस आ रहा है उसको शो कर रहा है. ये क्या है यहाँ पे, एवरेज एनर्जी किसकी है, ये प्राइम सिस्टम की, चेंज इन एवरेज एनर्जी ऑफ प्राइम सिस्टम. ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि डेल ऑफ ई प्राइम, डेल ऑफ ई प्राइम क्या, सॉरी डेल ऑफ ई एवरेज माइनस ऑफ डेल ऑफ ई प्राइम. इट मीन ए सिस्टम जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व करता है ए प्राइम उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है. माइनस एन यहाँ पे क्या किस चीज को शो कर रहा है, एमिशन ऑफ एनर्जी. और प्लस एन किस चीज को शो करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी को. तो इस तरह से हमने सिस्टम के इंट्रैक्शन का स्टडी किया है. तो क्या करा है हमने, आपने बेसिकली एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की कि एवरेज एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी ए सिस्टम की और एवरेज एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी ए प्राइम सिस्टम की. तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल का इतना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट होता है कि आप इतने सारे सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फंडा अप्लाई किया, एवरेज वैल्यू का फंडा अप्लाई किया. एवरेज वैल्यू ही यहाँ पे जो टोटल आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो ही ओवरऑल सिस्टम में एक्सचेंज एनर्जी के अमाउंट को शो कर रहा है. सो दिस इज एक्सचेंज एनर्जी ऑफ सिस्टम ए एंड दिस इज एक्सचेंज एनर्जी ऑफ सिस्टम ए प्राइम. ठीक है, और ये एवरेज है मतलब जितनी भी ए सिस्टम है उसकी वैल्यू को शो करेगा और जितनी भी ए प्राइम सिस्टम है उसकी वैल्यू को शो करेगा. अब हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो इंट्रैक्शन यहाँ पे टू टाइप से हम स्टडी करते हैं. एक होता है थर्मल इंट्रैक्शन और एक होता है एडियाबेटिक इंट्रैक्शन. लिख लिया आपने और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन द इंट्रैक्शन बिटवीन टू मैक्रो सिस्टम. आपको क्या करना है, टू मैक्रो सिस्टम के बीच में इंट्रैक्शन को डिफाइन करना होता है. तो इस तरह से आपको पूरा डिफाइन करके आना है.